नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है, बारिश के मौसम में अगर आप भीग जाते हैं तो इससे होने वाली जो परेशानियां हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, आजकल बारिश का मौसम है, आप मार्केट में जाते हैं या कहीं किसी और के घर जाते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं तो आपको कभी ना कभी बारिश में भीगना ही पड़ता है। कोई बाइक से जाते हैं, कोई अपने कार से जाते हैं, कोई बस पे जाते हैं, फिर भी उन्हें भीगना तय है। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर बिल्कुल फ्रेश पानी से स्नान करना ना भूलें। जब आप फ्रेश पानी से स्नान कर लेते हैं तो जो बारिश के गंदे पानी हैं, पोल्यूटेड पानी है, जो आप बाहर घूमते हैं तो धूल मिट्टी और कीचड़ का जो गंदा चीज, गंदा कीटाणु आपके शरीर पर आ बैठता है, आपके स्किन पर आ बैठता है, आपके बालों पर आ बैठता है, वो सारा धुल जाता है। और नहाने के बाद एक और सावधानी बरतें कि गीला कपड़ा आपको नहीं पहनना है, बिल्कुल सूखा हुआ कपड़ा आप पहने, पूरे बदन को पोंछने के बाद सूखा हुआ कपड़ा पहने, क्योंकि इस मौसम में अगर आपने गीला कपड़ा पहन लिया तो आपको एक्स्ट्रा फंगस, दाग, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसी बीमारियां तुरंत हो जाएंगी। इसी मौसम में ये सारी बीमारियां ज्यादा पनपती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सावधानी बरता तो आपको इन सारी परेशानियों से निजात मिल सकता है। एक चीज और, अगर आप ज्यादा भीग जाते हैं तो कोई ना कोई मेडिसिन या एक चम्मच शहद के साथ में काली मिर्च खाना ना भूलें, क्योंकि आपको ज्यादा भीग जाने के कारण सर्दी, जुकाम और हल्का बुखार भी आ सकता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा शहद और काली मिर्च खा लेंगे तो आपके ऊपर जो वायरल हॉबी होने वाला है वो दब जाएगा, उस पर आपके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हॉबी हो जाएगा और वायरल को रोक देगा। एक काम आप और कर सकते हैं, अदरक वाली ग्रीन टी आप पी लें, इससे क्या होगा आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।